सो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो हो या फिर इंस्टाग्राम रील वीडियो हो, इनके वायरल होने के पीछे एडिटिंग का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, क्योंकि एडिट करके हम अपने इंस्टाग्राम रील वीडियो को काफी अच्छा बना सकते हैं एंड जितना अच्छा रील वीडियो होगा उतना ज्यादा वायरल होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको 5 बेस्ट एडिटिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे कि आप अपने रील वीडियो को एडिट कर सकते हो। और सारे के सारे एप्लीकेशन ना बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है, किसी में आपको वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा, और सारे के सारे न्यू है यार, पुराने वाले नहीं, काइन मास्टर, पावर डेटेड, ये सब एप्लीकेशन नहीं होने वाले, सारा न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यार हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्पीड कंट्रोल के बारे में, कलर ग्रेडिंग के बारे में एंड उसके बाद इफेक्ट के बारे में, सेक इफेक्ट, फ्लैश इफेक्ट, ठीक है, एंड उसके बाद लेंस ब्लर इफेक्ट, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यार एडिटिंग एप्लीकेशन है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो अब अपने देख लेते हैं कौन कौन सा एप्लीकेशन है। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा वीवा कट। इसे आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसमें एडिटिंग करने के लिए क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी वीडियो आप एडिट करना चाहते हो उस वाले वीडियो को सेलेक्ट करना एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, वीडियो ऐड हो जाए। देन उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे स्लो मोशन करके देख लेते हैं, ठीक है, तो स्लो मोशन करने के लिए आपको अपनी वीडियो के ऊपर टैप करना होगा, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना एंड जितना आप इसे कम करते जाओगे उतना ज्यादा आपकी वीडियो स्लो होते जाएगी। अब इसे स्मूथली स्लो मोशन करने के लिए आपको जस्ट ऑप्टिकल फ्लो के ऊपर क्लिक करके ऑप्टिकल इंटरपोलेशन क्या लिखा हुआ पता नहीं, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, देन डन करते ना। उसके बाद आप देख सकते हो हमारी वीडियो जो है काफी कमाल का स्लो मोशन हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कलर ग्रेडिंग की, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए अपने वीडियो के ऊपर आपको टैप करना होगा, देन फिल्टर के ऊपर क्लिक करके कोई अच्छा सा आप एक फिल्टर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो मीन्स वीडियो के ऊपर अच्छा लगे वैसा कोई फिल्टर आप सेलेक्ट कर लेना, देन डन करना ना। उसके बाद यहाँ पे सिंपली से आपको एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन को आपको यूज करके कलर ग्रेडिंग करना है उन ऑप्शन को यूज करके कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक QR का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये वाला देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करना एंड उसके बाद डाउनलोड QR के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रीसेट मिलेंगे कलर ग्रेडिंग का, ठीक है, तो इन प्रीसेट को भी आप यूज कर सकते हो। तो कोई कलर ग्रेडिंग अगर आपको पसंद आ जाए तो उसके ऊपर क्लिक करके जस्ट चूज कर लेना, ठीक है, तो ये कलर ग्रेडिंग आपकी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लो मोशन एंड कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली, देख लिया आपने ना। उसके बाद इसके ऊपर हम सेक इफेक्ट एंड जो मेन हमारा है लेंस ब्लर इफेक्ट वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो चलो सबसे पहले मैं आपको लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई करके दिखाऊं। तो VFX के ऊपर हम क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपको ब्लर में आ जाना है, देन यहाँ पे आपको यार काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेंस ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, लेंस ब्लर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो ये वाला लेंस ब्लर इफेक्ट मिलता है, एंड मीडियन 1 के ऊपर क्लिक करोगे तो इस टाइप का लेंस ब्लर मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको लेंस ब्लर इफेक्ट मिल जाते हैं, इन सभी को यूज कर सकते हो ना। उसके बाद बात आती है कि यार हमें क्या यहाँ पे सेक इफेक्ट या फ्लैश इफेक्ट ये सब मिलते हैं, हाँ भाई बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का और अच्छे वाले मिल जाते हैं, ठीक है, पार्टी के ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे स्ट्रॉब, फ्लैश, इस टाइप के इफेक्ट मिल जाएंगे, एंड अगर आपको सेक इफेक्ट चाहिए तो सेक के ऊपर आना एंड उसके बाद यहाँ से आप यूज कर सकते हो बहुत सारे एंड मस्त वाले सेक इफेक्ट, ठीक है। अब यूज कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल होता है, इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करके रखना एंड सेक इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हो इस तरीके से मीन्स आप इन इफेक्ट को यूज कर सकते हो। अब उसके बाद एक्सपोर्ट 4K में हम चेक कर लेते होता है या फिर नहीं, तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 4K क्वालिटी भी सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर लेना। सो सारे बेसिक एंड एडवांस हर एक टूल हमें मिल जाते हैं, तो इसे आप यूज कर सकते हो। नाउ सेकंड एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं, तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारा कैपकट, ठीक है, बट कैपकट को यूज करने के लिए आपको पता होगा किसी VPN को हमें यूज करना पड़ता है, और अगर नहीं पता है तो भाई जान गए कि कैपकट को यूज करने के लिए आपको VPN की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो VPN से कनेक्ट होने के लिए हम यहाँ पे क्विक VPN का यूज कर रहे हैं एंड उसके बाद कोई सभी एक कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया को छोड़ के एंड कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, देन बैक करेंगे एंड अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हमें क्लिक करना होता है, देन अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना, जो भी वीडियो आप एडिट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला हम एडिट करना चाहते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक कर दी, वीडियो ऐड हो चुका। फिर से उसी तरीके से हम यहाँ पर यार स्पीड को देख लेते हैं, ठीक है, तो स्लो मोशन करने के लिए अपने वीडियो के ऊपर आपको टैप करना होता है एंड स्पीड के ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे आप नॉर्मल के ऊपर आओगे, तो यहाँ से नॉर्मली आप पूरा वीडियो को स्लो कर सकते हो एंड अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट को स्लो करना है, ठीक है, तो इसे हम नॉर्मल कर देते हैं एंड यहाँ पे कर्व पे आप आ जाना,
कर्व पे आने के बाद मीन्स कर्व ज़्यादा बेटर होता है, एंड कस्टम के ऊपर क्लिक करना, फिर एडिट के ऊपर टैप करना, देन उसके बाद आपको जहाँ पे स्लो करना है, ठीक है, जो भी पार्ट को आपको स्लो करना है उस वाले पार्ट को नीचे कर देना, जिस पार्ट में आपको स्पीड करना है उस वाले पार्ट को ऊपर कर देना। अब बोलोगे भाई जहाँ पे इस टाइप का बीट ही नहीं होगा वहाँ पे क्या करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीट ही नहीं है तो यहाँ पे पाना और एड बीट के ऊपर टैप कर देना, देन उसके बाद नीचे कर देना तो हो जाएगी यहाँ पे स्लो, या फिर अगर आप इसे ऊपर करोगे जैसे कि यहाँ पे एड बीट करते हैं ऊपर करते हैं तो फास्ट हो जाएगी, इसे नीचे करते हैं स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्लो कर सकते हो ना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेक इट अ स्मूथर के ऊपर क्लिक करके बेटर क्वालिटी को जरूर से सेलेक्ट कर लेना, तब जाके आपकी वीडियो जो होगी स्मूथली स्लो मोशन होगी, ठीक है ना। उसके बाद डन करना है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा क्योंकि क्वालिटी को अच्छा कर रहा है ये। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, देन डन कर लेते हैं ना। उसके बाद देख सकते हो हमारा प्रॉपरली यार बहुत ही स्मूथली हमारा स्लो मोशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्लो मोशन कर सकते हो। देन कलर ग्रेडिंग की बात करें तो कलर ग्रेडिंग में ऑब्वियसली हम कर सकते हैं यार, फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल्टर आपको पसंद आएगा आप उसे यूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर मिल जाते हैं, ठीक है, थीके? जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर आपको यूज करके दिखाता हूँ, एंड उसके बाद यार इसमें ना बहुत अच्छे वाले फिल्टर है, इफेक्ट पसंद आएगा या फिर जो फिल्टर पसंद आएगी उन फिल्टर को आपको सेलेक्ट करना, देन उसके बाद एडजस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हर एक टाइप का टूल मिल जाएगा जिससे कि आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि HSL भी मिल जाता है, ठीक है, एंड उसके साथ साथ कर्व ये सब सभी चीजें मिल जाती है जिनसे कि आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। ओके नाउ डन करते तो स्पीड एंड कलर ग्रेडिंग दोनों हमें मिल जाती, देन उसके बाद अगर इफेक्ट हमें अप्लाई करना है सेक इफेक्ट ये सब तो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप इसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पार्टी, पार्टी के ऊपर आना, काफी सारे इफेक्ट यहाँ मिलते हैं, फ्लैश वाले यहाँ मिलेंगे, बट इसे एक इफेक्ट दूसरे तरीके से आप यूज कर सकते हो अपनी वीडियो में। तो फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करने के लिए जस्ट सिंपली सा फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देना, हो गया भाई अप्लाई, ठीक है। व्हाइट फ्लैश चाहिए तो व्हाइट वाले को सिलेक्ट कर लेना ना। उसके बाद लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक के ऊपर आना होगा, एंड यहाँ पे लो भाई मिल गया लेंस ब्लर इफेक्ट, ठीक है, डायमंड एंड हेलो ब्लर ये सब लेंस ब्लर इफेक्ट है, जो आपको पसंद आएंगे उन्हें आप यूज करके डन कर लेना। देन उसके बाद अगर यहाँ पे सेक इफेक्ट अप्लाई करना है तो आपको अपनी वीडियो को कट करना होगा, जिस भी पार्ट में आप सेक इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो वहां पे कट कर देना, देन अपनी वीडियो के ऊपर टैप करना एंड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना, देन एनिमेशन पे क्लिक करोगे ना तो काफी सारे एनिमेशन आएंगे, इसमें जस्ट आप लास्ट तक स्क्रॉल करके आ जाना तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा सेक 3, और भी काफी सारे सेक इफेक्ट है, इनमें से किसी को सिलेक्ट करके ड्यूरेशन को अपने हिसाब से देख लेना एंड डन करना, देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेक इफेक्ट अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, एंड इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, थीके? आपको इसे अगर आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो कटआउट के ऊपर जाकर बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये जो कैपकट है ना वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटर मुझे लगता है, आप 4K में एक्सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड 4K को सिलेक्ट करेंगे देन एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मीन्स 4K सपोर्ट भी कर लेता है ये। थर्ड एप्लीकेशन है हमारा मोशन निंजा। मोशन निंजा को आप ओपन करोगे तो देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा, देन अपनी वीडियो का रेशो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है ना। अपनी वीडियो को सेलेक्ट करने के लिए प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करेंगे, देन उसके बाद अपनी वीडियो को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी वीडियो को एडिट करना चाहते तो इस वाले वीडियो को सेलेक्ट करते ऐड के ऊपर क्लिक करते तो वीडियो ऐड हो चुकी, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हम सबसे पहले वही यार स्पीड को देख लेते हैं, स्पीड है या नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पीड कंट्रोल मिल जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप कर्व के ऊपर आना, कस्टम के ऊपर आना, एंड उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, जहां आपको वीडियो को स्लो करना होगा उसे नीचे कर देना, फास्ट करना होगा थोड़ा सा ऊपर कर देना, ठीक है, और अगर नहीं है बीट तो बीट ऐड कर देना, देन उसके बाद आप स्लो कर सकते हो, ठीक है। तो सेम जैसे कि कैपकट में था उसी तरीके से यहाँ पे भी आप स्लो या फिर फास्ट कर सकते हो। नाउ डन कर देते, एंड इसमें भी आपको यार ऑप्टिकल फ्लो को इनेबल करके जस्ट डन कर देना होता है, तभी जाके आपका वीडियो स्मूथली स्लो मोशन किया जाएगा, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल हमें मिल चुका है, ठीक है, एंड इसका आउटपुट भी आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथली यार ये मीन्स स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन करता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा एप्लीकेशन है स्लो मोशन करने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटर है स्लो मोशन करने के लिए, और इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया हुआ है चैनल पे ना। उसके बाद अगर इसमें हमें यार कलर ग्रेडिंग करना है तो कैसे करें, कलर ग्रेडिंग करने के लिए फिर से वीडियो के ऊपर टैप करना, एडिट के ऊपर क्लिक करना, एंड उसके बाद इसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको फिल्टर मिल जाएंगे एंड अच्छे वाले मिलते हैं, ठीक है, थीके? जैसे कि देख सकते हो ये हमारा नॉर्मल सा था, एंड ये अप्लाई करने के बाद देख सकते हो इस टाइप का बहुत सारे इफेक्ट है, जो आपको पसंद आ जाएगा आपकी वीडियो के ऊपर अच्छी लगेगी उस वाले फिल्टर को सिलेक्ट करना, एंड इसका ओपेसिटी को कम ज्यादा भी कर सकते हो, देख लेना जितना रिक्वायर्ड हो एंड डन कर देना, ठीक है।
देन उसके बाद आप यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके आप एडजस्ट भी कर सकते हो, आपको हर एक टूल यहाँ मिल जाते हैं जिससे कि यार आप अपनी वीडियो को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मीन से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, तो कलर ग्रेडिंग का भी हमें टूल मिल जा रहा है, स्पीड कंट्रोल का भी हमें टूल मिल जा रहा है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें शेक इफेक्ट, फ्लैश इफेक्ट ये सब कैसे अप्लाई करें। तो उन्हें अप्लाई करने के लिए इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ देखो भाई मिल गया, सारे इफेक्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, फ्लैश इफेक्ट, शेक इफेक्ट सब मिल जाएंगे, स्पेशली अगर आपको शेक चाहिए तो शेक के ऊपर क्लिक करना एंड उसके बाद आप यहाँ से शेक इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली सा ब्लर पे आ जाते हैं हम एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ब्लर मेटा के ऊपर आपको आना होगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको मिनमैक्स ब्लर, यार मिनिमम ब्लर मैं बोल रहा था, ठीक है मिनमैक्स ब्लर है, इसे आपको सेलेक्ट करना होगा एंड डन करना होगा। देन उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपको इनमें हर टूल से देखने को मिल जाते हैं, अब इन्हें आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद एक्सपोर्ट सेटिंग हम देख लेते हैं, तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी 4K सेटिंग मिल जाता है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो 4K सेटिंग में। एप्लीकेशन हमारे वीएनएटर, वीएनएटर को आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। ठीक है ना, उसके बाद प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके अपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। देन जो वीडियो को आपको एडिट करना है उस वाले वीडियो को सिंपली से सेलेक्ट करना होगा एंड ऐड के ऊपर टैप कर देना है। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सबसे पहले हम स्लो मोशन देख लेते, तो आपको यार यहीं पे दिख रहा होगा स्पीड का कंट्रोल मिल जाता है, तो स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे करेंगे स्लो हो जाएगा, ऊपर करेंगे फास्ट। ठीक है, तो एक ही चीज यार एक्सप्लेन कर करके मैं भी थक चुका हूँ। ठीक है ना, उसके बाद फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिल्टर हमें काफी सारे मिल जाते, इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे भी आपको HSL टूल मिल जाते जिसके हेल्प से आप आराम से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। देन उसके बाद इफेक्ट की बात की जाए तो इसमें आपको शेक इफेक्ट ये सब अप्लाई करने के लिए वीडियो को कट करना होगा। ठीक है, जहां आपको शेक इफेक्ट अप्लाई करना वहां वहां कट कर देना, देन वीडियो के ऊपर टैप करना, FX के ऊपर आना और यहाँ पे जस्ट आपको जीटर डाउन, जिली, इस टाइप को बहुत सारे आपको शेक इफेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जो अच्छा लगेगा उसे अप्लाई करना एंड जहां पे आपको रखना चाहते हो वहां पे इफेक्ट को रख के जस्ट डन कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो। ओके, बट यार इसमें आपको लेंस ब्लर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सो लेंस ब्लर के लिए कोई और एप्लीकेशन यूज कर लेना। देन एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे भी 4K एक्सपोर्ट सेटिंग मिल जाते हैं। ठीक है, और लास्ट एप्लीकेशन जो कि हमारा है वीटा, वीटा को आप ओपन करो, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद फिर से अपनी वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस बार मैं इस वाले वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो वीडियो ऐड हो चुकी ना। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम चेकआउट कर लेंगे कि यार हम स्लो मोशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो वीडियो के ऊपर क्लिक करते स्पीड के ऊपर टैप करेंगे एंड उसके बाद इसे कम कर देंगे तो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो मीन से स्लो मोशन का हमें टूल मिल जा रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद कलर ग्रेडिंग का टूल हम देख लेते हैं, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए स्क्रॉल करना होगा एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, काफी सारे फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो फिल्टर अच्छा लगेगा उसे सेलेक्ट करना एंड डन कर देना, हो गया कलर ग्रेडिंग। एंड अगर आपको एडवांस लेवल का कलर ग्रेडिंग करना है तो एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको हर एक टूल मिल जाता है जिसकी हेल्प से कलर ग्रेडिंग की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आप मीन से सारे टूल को यूज करके कलर ग्रेडिंग कर लेना ना। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट की, तो शेक इफेक्ट या फिर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करने के लिए इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होता है एंड इफेक्ट के ऊपर टैप करके आपको जस्ट यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ न्यू में काफी सारे इफेक्ट है एंड उसके बाद ये वाला देख सकते हो, ब्लैक लाइन वाला इफेक्ट है, फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करें तो फ्लैश को सेलेक्ट कर देना, फ्लैश इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट है एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पर लेंस ब्लर इफेक्ट अप्लाई करना है तो न्यू में ही यहाँ पे आपको हेलो ब्लर मिल जाएगा, तो इसे अप्लाई करके हो गया भाई लो अप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हर एक टूल देखने को मिल जाता है, बट कलर ग्रेडिंग के लिए यार मैंने कुछ घटिया वाला फिल्टर सेलेक्ट कर लिया, वीडियो अच्छी नहीं लग रही, आप अच्छा वाला कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद एक्सपोर्ट सेटिंग देख लेते, तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो तो देखो यहाँ पे 4K सेटिंग अवेलेबल है। ठीक है, तो 4K में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारे थे हमारे 5 एप्लीकेशन जिनमें कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, रील वीडियो एडिटिंग। ठीक है, और वो भी प्रोफेशनल लेवल का, क्योंकि यार हमें यहाँ पे हर एक टाइप का टूल मिल जाता है। ओके, और सारे के सारे यार बेसिक और एडवांस दोनों टाइप का मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाया है, तो जो आपको पसंद आएगा आप उसे यूज कर सकते हो। और कमेंट करके जरूर से ये बताना कि कौन सा एप्लीकेशन आपको ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।